दोस्तों, अगर आप भी Facebook पर कॉपी पेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि भैया आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसे कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ, समझ लो एक ऐसी चीज आपको देने वाला हूँ जहां पर से आपको डायरेक्ट कॉन्टेंट को कॉपी करना है और डायरेक्ट Facebook पर अपलोड कर देना है, इतना सा एडिट भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहां पर आपको मैं एक ऐसा कॉन्टेंट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा वायरल होगा, जहां पर आप एक वीडियो भी डाल देते हो Facebook पर तो आपकी जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी। और भाई आपको पता ही कि मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं वो हर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल होती है और आपकी जो वीडियो है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, बहुत तेजी से चलती है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो भैया एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो, इसी प्रकार से वायरल कंटेंट देखना चाहते हो, वायरल वीडियोस पता करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। सबसे पहले मैं यहां पर आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, प्रूफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे अपने Facebook पर, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको प्रूफ इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यार आपको लगेगा कि हां यार कि ये जो कंटेंट है ये सचमुच वायरल है और अगर हम इस पर काम करते तो हमारी वीडियो भी वायरल होगी। तो देखो यार मैं आपको सबसे पहले प्रूफ ही दिखाना चाहूंगा, प्रूफ देखने के लिए हम Facebook पर आ चुके हैं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा अपने सर्च बार पर, और सर्च बार पर जाने के बाद यहां पर मैं टाइप करूंगा एक पेज का नाम जिसका नाम है संदीप गेमर ओपी, ठीक है। ये जो बंदा है ये एक 12 साल का लड़का है और ये 12 साल का होकर सोचो इतने ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो गेन करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है, कौन सी वीडियोस अपलोड कर रहा है, हर एक चीज आपको बताऊंगा, बस एंड तक वीडियो को देखना, सब कुछ आपको बताऊंगा। इतनी सी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना ये लड़का कर रहा है, ना ही आप करेंगे, और ना ही मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको मेहनत करनी पड़े, सिंपल Facebook पर कॉपी पेस्ट करके आप अर्निंग करोगे, और यही चीज मैं आपको बताता हूं अपनी वीडियोस में। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, इस पेज पर क्लिक करना। इस पेज पर आप देखो 8 लाख फॉलोअर्स हैं, छोटी मोटी बात नहीं होती भाई, अगर एक 12 साल का लड़का 8 लाख फॉलोअर्स कर सकता है सिंपल सा काम करके, सिंपल कॉपी पेस्ट करके, तो भाई आप और हम तो कर ही सकते हैं। तो करना क्या है, यहां पर आप देखो, तो यहां पर आप देखो 8 लाख फॉलोअर के साथ साथ 186 लाइक भी हैं, और इसका जो चैनल है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसका जो पेज है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये नया पेज है, ठीक है। इसने अभी अभी कॉन्टेंट डालना जो है वो स्टार्ट किया हुआ है अपने इस पेज पर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखाता हूं इसका पेज जो है वो कब बना हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सी संदीप अबाउट इन्फो में यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद नीचे आप आओगे, क्रिएट क्रिएशन डेट यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी 1 जून 2022, मतलब जब इसने अपना पेज बनाया था, जब इसने आईडी बनाई थी अपनी, तो यहां पर इसने बनाई थी 1 जून 2022 को। तो यार आप बोल रहे होंगे इसके तो एक साल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने जो कॉन्टेंट है वो अभी डालना स्टार्ट किया हुआ है, भले इसका पेज जो है वो एक साल पुराना है, लेकिन कॉन्टेंट इसने अभी डालना स्टार्ट किया हुआ है। और ये कहां से कॉन्टेंट लेता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस आपको एक क्लिक करना है और आपका जो कॉन्टेंट वो वहां से डाउनलोड हो जाएगा, और डायरेक्ट आपको विदाउट एडिट किए हुए, बिना फेस दिखाए, बिना वॉइस डाले, डायरेक्ट आपको क्या करना है, Facebook पर अपलोड कर देना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप इसकी वीडियोस देखो, यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो पहली रील से 1 घंटे पहले इसने अपलोड करी हुई, ठीक है। नीचे आओगे आप, यहां पर आप देखो 8000 यहां पर आपको व्यूज देखने को मिलेंगे, 760 लाइक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये पहली वीडियो है जो कि 1 घंटे पहले यहां पर इसने अपलोड करी हुई है। इसके बाद यहां पर आप देखो 4 घंटे पहले इसने फिर एक रील अपलोड करी थी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इस पर 12000 व्यूज हैं, सोचो 4 घंटे पहले 12000 व्यूज, और यहां पर आप लाइक देख सकते हो 927 लाइक यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे आओगे आप, यहां पर आप देखो 6 घंटे पहले इसने फिर एक रील जो है वो अपलोड करी हुई थी, जिस पर यहां पर आप देख सकते हो 22000 यहां पर आपको व्यूज देखने को मिलेंगे, साथ ही में 1.6K लाइक देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीचे आओगे तो यहां पर आप देख सकते हो 11 घंटे पहले इसने एक और रील वीडियो अपलोड करी हुई है, जिस पर आप देख सकते हो 23000 जो है वो व्यूज आए हुए हैं और 1.6K यहां पर आपको लाइक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 1 दिन पहले यहां पर अपलोड की गई है रील्स, जिस पर 46000 व्यूज हैं, और यहां पर आप देख सकते हो 3000 के लगभग लाइक होने वाला है। तो यार आप क्या सोच रहे हो ये सब देख के, कि यार इसकी जो रील्स वीडियो है वो इतनी कम टाइम में इतना ज्यादा वायरल हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो कॉन्टेंट है ये वायरल है,
जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो वायरल कंटेंट है, और अगर आप इस पे काम करते हो तो रियली मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप अपने पेज को एक हफ्ते के अंदर इतनी तेजी से ग्रो करके ले जाओगे कि आप खुद नहीं सोचोगे कि भाई मेरा जो पेज है इतनी आसानी से ग्रो हो जाएगा। मुझे सिंपल एक क्लिक में डाउनलोड करना है, डेली 10 से 5 वीडियो उठा के इसमें डालनी है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखो एक दिन में ये बंदा 5-5, 6-6 वीडियोज अपलोड कर रहा है वहीं से डाउनलोड करके थोड़ी सी एडिट करके, ठीक है। बट आपको अगर एडिट करना है तो करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा आपका, इजीली यहां पर जो पेज है वो मोनेटाइज होगा, इसकी मैं 110% आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये जो बंदा है ये कंटेंट कहां से उठाता है और हमें कहां से कंटेंट लेना है। देखो भैया कंटेंट फाइंड करने के लिए ना आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहां पर इस वाली एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, ये तो एक ही एप्लीकेशन है, मैं आपको दो एप्लीकेशन बताने वाला हूं, एक तो ये, एक और एप्लीकेशन बताने वाला हूं जहां से आप कंटेंट लोगे और कंटेंट की आपको कभी कमी नहीं होने वाली, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये जो कंटेंट ये फुल्ली चाइनीज कंटेंट है, और अगर आप इस कंटेंट को अपने फेसबुक पेज पर डालोगे तो आपका जो कंटेंट है बहुत तेजी से वायरल होगा, क्योंकि ये फुल्ली जो है यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी फैक्ट वीडियोस हैं, और यहाँ पर आप इन वीडियोस को कॉपी करके डायरेक्ट आपको डाउनलोड करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कैसी वीडियोस हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर और भी वीडियोस आपको दिखा देता हूँ ऊपर करके, पूरी की पूरी चाइनीज वीडियोस हैं, आपको कोई इनकी भाषा समझ में आने वाली नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें जो सॉन्ग लगा हुआ है अगर इसमें सॉन्ग लगा है तो ठीक ठीक है, अगर सॉन्ग नहीं लगा तो आपको सॉन्ग बस करना है, थोड़ा सा एडिट करना है, कैसे करना मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ध्यान से आप देखते जाओ। डाउनलोड कैसे करना है यहां से कंटेंट को मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने क्या करना है, शेयर पर जाना है, और शेयर पर जाने के बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देखो यहां पर डाउनलोड का एक यहां पर बटन देखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस डाउनलोड वाले बटन पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको एक और एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा जिसमें भी आपको सिंपल इसी प्रकार से काम करना है, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है इस वाली एप्लीकेशन को और कैसे डाउनलोड करना है आपको उस वाली एप्लीकेशन को, दोनों चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस वाली जो वीडियो है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो रील वीडियो है वो इजीली डाउनलोड हो चुकी है आपके सामने। यहां पर आप देख सकते हो 3 MB की वीडियो थी और 3 MB की वीडियो हमारे सामने डाउनलोड हो रही है इजी तरीके से। इतनी सी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ना तो कोई कॉपी लिंक करना है ना कुछ करना है, यहीं से डाउनलोड करो और डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट फेसबुक पर अपलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इजीली अर्निंग कर सकते हो। और इस टाइप का कॉन्टेंट से आप कुछ इस प्रकार की अर्निंग कर सकते हो इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से मैंने यहां पर आप देख सकते हो जो रील वीडियो है जो हमारी 96% हो चुकी है, 97% हो चुकी है, इसके बाद 98% हो चुकी है, और ये हमारी जो रील वीडियो है वो डाउनलोड हो चुकी है। और ये जो रील वीडियो है हमारी यहां पर हम देख सकते हैं, सेव इन व्यू इन एल्बम पर जाएंगे तो हमारी जो रील वीडियो है वो हमारी गैलरी में जो है वो आ चुकी है। चलो अब बात कर लेते हैं कि आपने एक और जो एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा जाना अपने क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखो करना क्या आपने, यहाँ पर आपने स्क्रीन के सामने एक नाम दिख रहा होगा, इस नाम को सिंपल सा आपने टाइप कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इस नाम को टाइप कर देना है, और यहाँ पर जैसा जैसा लिखा है टाइप करके और सर्च बार पर लाके पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है वो वेबसाइट्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, ये तीसरी वाली वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, जिसका नाम है मोबाइल ज्ञान। इस पर जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे और नीचे आओगे और नीचे आते जाओगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप देखना, आपको जो डाउनलोड का बटन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ भी डाउनलोड करके भी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इससे लोड लेने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड का बटन हमको दिख चुका है, इस डाउनलोड वाले बटन पर हमने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। इस एप्लीकेशन का नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड APK का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 99 MB की जो एप्लीकेशन है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप डाउनलोड APK पर क्लिक करोगे इंस्टेंट आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड जब होएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने है इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं यहां पर डाउनलोड नहीं करूंगा। यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड जो है वो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब ये वाला ये तो रहा पहला एप्लीकेशन जहां से आप कंटेंट फाइंड करोगे। अब हम बात कर लेते हैं एक और एप्लीकेशन की जहां से आप कंटेंट फाइंड करने वाले हो, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सर्च बार पर
आके कुछ इस प्रकार से टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने सिंपल सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पहली जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। इस जो एप्लीकेशन है इसका लोगो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 25 जो भी है वर्जन है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर हमको यहाँ पर वर्जन दिखता है, पैकेज दिखता है, तो यहाँ पर हम इजिली डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे वर्जन है इसके, किसी पर भी क्लिक करके आप एक क्लिक में इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपके मोबाइल में जो है ये आ जाएगी, डायरेक्ट आपने क्या करना है इसे इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर भी आपको सिमिलर कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपने दो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए, यहाँ दोनों से आप इसी प्रकार का कंटेंट उठा सकते हो, डायरेक्ट उठा के भी डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एडिट करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि आपने एडिट कैसे करना है। तो भैया देखो, कंटेंट को एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है अपने काइन मास्टर पर। मैं यहाँ पर देख सकते हो अपने जो काइन मास्टर है उसे सिंपली ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने अपने काइन मास्टर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो काइन मास्टर वो इजीली ओपन हो रहा है। और भाई इस टाइप का कंटेंट रियली में बहुत ज़्यादा वायरल है। अगर आप एक हफ्ते तक भी इस टाइप की वीडियो जो है अपने पेज पर इंस्टेंटली डाउनलोड करके विदाउट एडिट किए हुए भी डायरेक्ट डाउनलोड करके डायरेक्ट पेस्ट कर देते हो ना, तो समझ लो आपकी लाइफ बदलने वाली है। क्योंकि इस टाइप का जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपके जो फॉलोअर्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, ठीक है। करना क्या है, आपने यहाँ पर आपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे यहां पर आपको ऑप्शन देखेंगे बहुत सारे रेशियो के, ठीक है। करना क्या है, आपने यहां पर 9:16 पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्रिएट पर क्लिक कर देंगे आपका जो मोबाइल है वो रोटेट हो जाएगा। और रोटेट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपने क्या करना है, जो वीडियो आपने डाउनलोड करी है उस एप्लीकेशन से उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाली जो वीडियो है इसे डाउनलोड किया हुआ है, जो कि 19 सेकेंड की है, सिंपल सा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है, बहुत छोटी वीडियो भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19 सेकंड की वीडियो है, यहाँ पर हमारे सामने जो है वो वीडियो जो है वो आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल अपनी जो लेयर है वीडियो की लेयर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो यहाँ पर एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी हल्की सी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है इसका बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा सैचुरेशन इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वाइब्रेंस वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना, टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने हल्का सा एडिट कर देना है। जैसे आप एडिट कर लेते हो, एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, बस एक काम करना है। वो एक काम ये है कि आपने इसको थोड़ा सा बैक आना है और यहाँ पर ऑडियो का आपको एक ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। ऑडियो को डालने से पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सबसे जाना है इसकी वॉल्यूम पर, उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर देना, ठीक है। कम कर दोगे तो आवाज बंद हो जाएगी इसकी, जैसी आवाज मतलब म्यूट ही कर देना, हटाओ, ठीक है। जैसे आप म्यूट कर दोगे तो इसकी आवाज बंद हो जाएगी। और आवाज बंद होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने जाना है इसको बैक करना है और यहाँ पर ऑडियो का एक ऑप्शन दिखेगा, ऑडियो पर जाना है। और सिंपल सा आपने जाना है सॉन्ग्स पर, ठीक है। पर आप जैसे ही सॉन्ग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, कोई भी एक सॉन्ग जो भी आपको पसंद आए, कोई सा भी गाना जो इस टाइम पर ट्रेंडिंग चल रहा हो, उस गाने को आपने क्या करना है, सिंपल सा इंपोर्ट करना है इधर पे, कोई कुछ नहीं करना हो, ठीक है। जो भी गाना ट्रेंडिंग चल रहा हो उस गाने को आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारी साइट्स होती हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो गाने को, ठीक है। और गाने को डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा आपने क्या करना है, यहां पर इंपोर्ट कर देना है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरे पास ये वाला गाना पड़ा हुआ है, तो मैं इसके क्या कर देता हूं, सिंपल प्लस पे क्लिक करके इंपोर्ट कर देता हूं आपके सामने आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो मेरा जो गाना इंपोर्ट हो चुका है। अब जो ये इसकी लेंथ बड़ी है तो हम इसे क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैची वाले साइन पे जाएंगे और यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट राइट पर क्लिक करेंगे, तो ये जो है वो ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिम होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने यहाँ पर जाना है ऊपर एक्सपोर्ट वाले साइन पर और सिंपल यहाँ पर आप 1080p पर क्लिक कर सकते हो। और ये जो लाइन है ना, इससे कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। तो या तो आप इसे फुल पर भी कर सकते हो, तो भाई इतनी MB की तो वीडियो हम बना ही नहीं सकते ना अपलोड करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे पूरा लो कर देना है, तो 7 MB की वीडियो हो जाएगी। ऐसी जैसी 10 वीडियो डाउनलोड करो, 10 वीडियो को यहाँ पर सिंपल से अपलोड करो अपने फेसबुक पेज पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका पेज डिलीट भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा आप उससे वैसे भी अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने सिंपल सा इस प्रकार की वीडियोज़ को डाल देना। वैसे तो कोई कॉपीराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इसके अलावा और कोई वीडियो नहीं डालनी है, क्योंकि इन वीडियोस में तो कॉपीराइट नहीं आएगा। बट अगर आप और कुछ भी अपलोड कर दोगे तो फिर कॉपीराइट आने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने क्या करना, सिंपल से अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है इस टाइप से।
तो यार आप जैसे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हो, अब एक्सपोर्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करना है। तो फेसबुक पेज पर अपलोड कैसे करोगे आप वीडियो को, मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे टाइटल रखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन रखना है, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करने वाला हूं मैं पूरी, ठीक है, कि आप अच्छे तरीके से बनाओ और आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि यार टाइटल बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, क्या लगाएं जिससे कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आज बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। आप यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने एक प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्रिएटर स्टूडियो करके, ठीक है। फेसबुक की जो एप्लीकेशन है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आप में से जो कॉपी पेस्ट का वर्क करते हैं, और नहीं पता है तो आपने क्या करना है, इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपने सिंपल सा ओपन करना है, जैसे कि मैंने सिंपल सा क्लिक कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पेज जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मेरा एक रैंडम पेज है, कोई यहाँ पर कोई इसमें अभी मैंने कुछ भी डालना स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने इस पेज पर आना है, लॉगिन वगैरह कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन है मेरा ऑलरेडी। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपके पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप रील भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करो। और वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी वीडियो है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस प्रकार से जो पेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर पर लिख दूंगा जो भी मतलब एट्रैक्टिव सा लगता हो ना, वो चीज़ आपको लिखनी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है वो टाइटल लिख दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर देखो लो सांप टाइप का दिख रहा है, मतलब दूर से देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सांप जैसा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सांप के मुँह में लगा दी आग, और बीच में एक तो फायर वाला यहाँ पर लगा दिया। तो ऐसे में लोग जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और हमको लोगों को अट्रैक्ट ही करना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, इसके बाद लगाना है आपने हैशटैग। हैशटैग कैसे लगाना, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपने हैशटैग लिखना है, और यहाँ पर सबसे पहले लिखना है शॉर्ट्स, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल फिर से हैशटैग लगाना है, और यहाँ पर आपने लिखना है FB, और उसके बाद लिखना है आपने रील्स। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप यही चीज़ को आगे पीछे करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है फिर से हैशटैग लगाना है, और यहाँ पर आपने लिखना है FACE फेस। इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है रील्स, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर लिख दोगे इतना, उसके बाद आपने फिर से हैशटैग लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है ट्रेंडिंग, ठीक है। ट्रेंडिंग लिखने के बाद आपने फिर से हैशटैग लगाना है, उसके बाद लिखना है आपने यहाँ पर रील्स, समझ रहे हो। जैसे ही आप यहाँ पर लिख दोगे रील्स, इसके बाद आपका जो है वो काम खत्म हो गया। आपने डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड नहीं लिखना है, समझ रहे हो ना, एक वर्ड नहीं लिखना है डिस्क्रिप्शन में, आपको इसी प्रकार से छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल से आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, पब्लिश का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर दोगे, इजिली जो आपकी वीडियो है इजिली पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अपलोड होने के बाद आपने कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, सिंपल से जैसे ही आपको इस टाइप का देखने को मिल जाए आपकी जो वीडियो है वो पब्लिश हो चुकी है, अब आपका काम जो है वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने काम करना है, सिंपल सा कॉन्टेंट। अगर आप एक हफ्ते भी इस टाइप का कॉन्टेंट अपलोड कर देते हो, पर डे 10 वीडियो अपलोड कर देते हो, तो आप एक हफ्ते के बाद आके मेरे को कमेंट बॉक्स में खुद बताओगे कि हाँ भाई आपने क्या कॉन्टेंट दिया था मेरे को, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा वायरल हो गया हूं। तो भाई इसी टाइप का कॉन्टेंट आपको बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एक ठो, एंड अगर आप इसी प्रकार का कॉपी पेस्ट करने से रिलेटेड वायरल कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वायरल कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।